हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल आज हम चैप्टर सेवन ट्राइंगल्स क्लास नाइन एन का स्टार्ट कर रहे हैं सो चैप्टर सेवन ट्राइंगल्स में है क्या बेसिकली कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स हैं जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सब जगह पे आपको ये यूज़ होगा ठीक है तो उसका थोड़ा हम पहले प्रीफेस कर लेते हैं उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पर जाएंगे सो देखिए कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स हमने पहले अर्लियर स्टैंडर्ड्स में भी देखा है लेकिन सबसे पहले ये जो इम्पोर्टेंट है ना ये सी पी सी टी मतलब कि क्या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्र ट्राइंगल्स ठीक है ये है ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स में जब आप प्रूव करने जाते हो सम तब ठीक है तो बाई सी पी सी टी उसका मतलब क्या है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स uh, मतलब कि सपोज ए इज कॉन्ग्रोन टू बी सपोज़ ये दो ट्राइंगल्स हैं ऐसे है ठीक है पी क्यू आर वो दोनों सो so अगर मैं दो ट्राइंगल लेती हूँ और मैंने प्रूव किया है कि ये दो ट्राइंगल इक्वल है कोई दो तीन पैरामीटर्स लेके कोई भी एक क्राइटेरिया लेके मैंने प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल ए बी सीज कॉन्ग्रोए टू ट्राइंगल पी क्यू आर ठीक है अब जो पैरामीटर्स मैंने लिए हैं वो या तो दिए हुए होंगे या तो मैंने उसको प्रूफ किया होगा कोई जोमेट्री का कोई रूल या ऐसा कुछ यूज़ करके ही मैंने किया होगा राइट तो लेकिन बचने वाले मतलब कोई तीन क्राइटेरिया से मैं करूँगी यहाँ पे क्राइटेरियाज कितने हैं छः है तीन साइज और तीन एंगल्स तो तीन क्राइटेरिया से अगर मैं कॉन्ग्रेन ट्राइंगल प्रूव करती हूँ तो बाकी के तीन भी इक्वल हो जाएंगे ओके चलिए सो लेट्स सी नाउ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रोन्स ट्राइंगल सबसे पहले ये है एस ए एस कॉन्ग्रोन्स रूल उसका मतलब क्या है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएट इफ़ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूड एंगल ऑफ़ द अदर ट्राइंगल तो सब ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एस ए एस मतलब कि दो साइड्स तो मतलब अगर मेरा ए बी इज इक्वल टू पी की हुआ ठीक है और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हुआ और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हुआ क्योंकि ये दोनों को साइड का बीच का एंगल भी इक्वल है तो ये क्या हुआ एस ए और एस ठीक है तो बाय दिस रूल ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हुए बाकी के जो बचे हैं वो भी इक्वल हो ही जाएंगे बाय सी पी सी टी ठीक है अब थियरम नंबर सेवन पॉइंट वन थियरम जो है वो आ, कई बार ये प्रूफ डेट में एग्जाम में आता है पूछ लेते हैं टीचर्स जैसे प्रूफ डेट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेट इफ टू एंगल्स इन द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स इन द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर पी और ये सी है ये पी क्यू आर है तो मतलब ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है ठीक है तो हो गया तो बाकी ये दोनों तो कॉन्ग्रेट होंगे ही होंगे ट्राइंगल लेकिन ये जो ए सी जो नहीं दिया हुआ है पी पी आर से इक्वल है वो भी हो ही जाएगा ओके सो so अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन इन कॉर्डिलेटरल ए सी बी डी ए सी इज़ इक्वल टू ए डी एज ए बाइसेकट ए बाइसेट मतलब क्या है ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ ये सारी लैंग्वेज है जो आपको मालूम होना चाहिए ठीक है तब जाके ही आप ऐसे या तो इसे हार्ड सम प्रूव कर पाओगे सो ए सी इज़ कॉन्ग्रोन शो डेट ए बी सी इज़ कॉन्ग्रोन्ट टू ट्राइंगल ए बी डी वॉट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी ठीक है तो हम पहले कॉन्ग्रेन सी प्रूव करते हैं अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है डेट ए बी बींग द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ठीक है सो नाउ पहले तो आपको ये मैंशन करना है कि आप कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो ठीक है नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी ए सी इज़ इक्वल टू ए डी कैसे आया ये ऑलरेडी गिवन कंडीशन है ए बी इक्वल्स टू ए बी ये कैसे आया इट इज़ अ कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स एंड एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल डी ए बी बिकॉज ए बी बाइसे एंगल सी ठीक है सो so, कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज़ किया है सो यूजिंग साइट एंगल साइट क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रोन टू ट्राइंगल ए बी डी so therefore now up corresponding sides so bc is obviously equal to bd why because it is corresponding jaise maine pehle bola corresponding parts of congruent triangles ये सारा आपको है ना लिखना पड़ता है और पड़ेगा तब जाके आपको ये अब से हम ये simple शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे बाई सी पी सी टी ठीक है इक्वल हुआ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू ए बी सी डी इज कॉर्डिलेटेड इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है एंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए प्रूव डेट ट्राइंगल ए बी डी इज टू ट्राइंगल बी ए सी ठीक है अब देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल को प्रूव कर लेते हैं अगर वो ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा तो उसके साथ बाय सी पी सी टी सेकेंड भी हो जाएगा और थर्ड भी हो जाएगा ठीक है अब देखिए कॉड्रीलेटर में जो है हमको दो चीज़ दी हुई है तो हम पहले वही ट्राइंगल ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी आ, ए डी इक्वल्स टू बी सी कैसे आया इट इज़ गिवन फिर ए बी इज इक्वल टू बी ए हाउ कम ये क्या है ये कैसे आया कॉमन एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए ये भी कैसे आया ये भी दिया हुआ है सो so, यूजिंग एस ए एस क्राइटेरिया वी हैव ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुन टू ट्राइंगल बी ए सी फाइन राइट अब सेकेंड है बी डी इक्वल्स टू बी सी तो ट्राएंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रोइ टू ट्राइंगल बी ए सी देर फॉर बाय सी पी सी टी बी डी इक्वल्स टू ए सी अब देखिए स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान में रखिए अगर सीधा ये क्वेश्चन आता ना पहला तो आपको ये तो करना ही पड़ता ठीक है ये तो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन है यहाँ पे कि कांग्रोए प्रूव करो लेकिन अगर डायरेक्ट अगर ये दिया होता कि बी डी इक्वल्स टू ए सी प्रूव करो तो इसके लिए आपको ये फर्स्ट पार्ट तो करना ही पड़ता आप डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट दिया है और सी पी सी टी लिखते हो तो ठीक है लेकिन अगर नहीं दिया है तो जो गिवन कंडीशन है ठीक है उसको यूज़ करके पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो और उसके बाद आप सी पी सी टी अप्लाई करो थर्ड Triangle ABD is congruent to triangle BAC. So, obviously, by CPCT, angle ABD is equal to angle BAC. Question number 3. Question number 3. AD डी BC बी सी आर इक्वल पेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट ए बी शो डट सी डी बाइसेक्स ए बी मतलब कि आइधर आप OC सी इक्वल्स टू ओ डी प्रूफ करो आइधर आप ओ बी इक्वल्स टू ओ ओ ए प्रूफ करिए ठीक है क्योंकि देखिए क्या है बाइसेक्ट है बाइसेक्ट कब होगा जब कोई भी सेगमेंट आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तब ठीक है तो इसको मुझे मैं अगर ये प्रूव कर लूँगी कि ओ सी इक्वल्स टू ओ डी है या तो ओ बी इक्वल्स टू ओ ए है तो मैं सी डी बाइसेकट ए बी हो जाएगा राइट तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे अब देखिए एंगल यहाँ पे एंगल परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली एंगल ए बी सी इज वॉट नाइन्टी डिग्री कैसे इट इज़ गिवन ओके फिर एंगल बी ए डी जो है इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री है वो भी कैसे आया इट इज बी वन ओके बाद में ए बी एन सी डी ए बी एन सी डी इंटरसेक्ट एट ओ ठीक है अब इंटरसेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे राइट right? तो अब हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ ए डी याद रखिए हमारा पर्पस क्या है ओ बी इक्वल्स टू ओ ए प्रूव करना है ठीक है वो डायरेक्टली अगर इक्वल नहीं दिख रहा है तो आप वो ट्राइंगल को कॉन्ग्रीहेंट कर लो और बाई सी पी सी टी वो दोनों साइड इक्वल हो जाएगी सो एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू एंगल बी ए डी क्यों 90 डिग्री है राइट right? उसके बाद बी सी इक्वल्स टू ए डी ये तो क्या है ये दिया हुआ है इट इज़ गिवन फिर एंगल बी ओ सी इज़ इक्वल टू एंगल ए डी ये क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ठीक है तो हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया है क्राइटेरिया यूजिंग एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया वी हैव ट्राइंगल ओ बी सी इज कॉन्ग्रुव टू ट्राइंगल ओ ए डी सो हैंस ओ बी इज इक्वल टू ओ ए ठीक है ये कैसे आ गया बाय सी पी सी टी राइट सो डेट इज अगर ये इक्वल है उसका मतलब क्या डेट डेट इज ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी दस सी डी बाइसेक्स ए बी ओके नेक्स्ट ओके क्वेश्चन नंबर फोर एल एंड एम आर टू पैरल लाइन्स इंटरसेक्टेड बाई अनदर पैरल लाइन पी एंड क्यू शो डेट ट्राइंगल ए बी सी मतलब कि ये वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी मतलब कि ये वाला जो ट्राइंगल है इस कॉन्ग्रो इंट ट्राइंगल सी डी ए ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे दिया क्या है पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस में जब भी कोई लाइन जाती है तो ट्रांसवर्जल होती है तो बस हम वही यूज़ करेंगे और प्रूव करेंगे ठीक है चलिए सो एल देखो एल इज़ पैरेल टू एम सो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ए सी इज ट्रांसवर्जल और जैसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लीनियर पे सब कुछ एक्टिव हो जाता है ठीक है सो एंगल यहाँ पे देखिए जो भी पॉसिबिलिटी है वो सारी लिख देंगे हम डेट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है बी ए सी मतलब कि ये वाला इज़ इक्वल टू डी सी ए मतलब कि ये वाला राइट right? उसके बाद है अब देखिए ऑलरेडी पी इज ऑल्सो पैरल टू क्यू मैं तो ये दोनों ट्राइंगल पे ही ध्यान दूंगी ना और कोई मुझे ध्यान नहीं देना है क्योंकि मुझे ट्राइंगल ए बी सी और सी डी ए ही प्रूव करना है है तो बहुत सारे लेकिन मैं सिर्फ ये दोनों सो ए सी यहाँ पे भी ट्रांसवर्सल है ओके सो okay. इन so, uh, तो यहाँ पे एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी हुआ ये भी क्या हुआ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बी सी ए मतलब की ये वाला इज इक्वल टू डी ए सी मतलब की ये वाला ठीक है सो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए ये दोनों तो हमने जो प्रूव किया है बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रूफ्ड फिर एंगल बी सी एज़ इक्वल टू एंगल डी ए सी ये भी क्या है इट इज़ आल्सो प्रूफ्ड एंड सी ए इज इक्वल टू ए सी ये क्यों ये कॉमन साइड है सो so, यहां पे हमने दो एंगल और एक साइड यूज किया है सो यूजिंग ए एस ए एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया वी हैव ट्राइंगल ए बी सी टू ट्राइंगल सी डी ए ओके सो so, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए थैंक यू सो so मच